और इतने साल के बाद जो केस बंद हो गया उसको भी खोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के नेता को, पिछड़े के नेता को कहीं ना कहीं ये परेशान करने का षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस सब चीज़ से डरने वाले नहीं है कि निषाद समाज जाग चुका है, निषाद समाज अभी किसी का गुलाम नहीं होगा और निषाद समाज का वोट यूं ही किसी के पाले में जाने वाला नहीं है। इनके लिए भी रखवाला आ चुका है। 5 जगह चुनाव MLC का हो रही है पूरे बिहार में, उस जगह पे भी हमने छपरा में भी हमने अपने कैंडिडेट को दिया है कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारे लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। सुरक्षा जो है ये IB के रिपोर्ट में मिला है, इस तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शब्द को उनको मानना पड़ेगा जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो NDA हो और या UPA हो। तो मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमको कमज़ोर समझ रहे हैं, ये मैं भी मानता हूँ कि अभी हम लोग कमज़ोर हैं और आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष करेंगे और ऐसी शक्ति बनाएंगे, ऐसी ताकत बनाएंगे कि आने वाला समय में हमारे जो पोस्टर होंगे उनके सामने में सर झुकाना पड़ेगा, ऐसी ताकत हम बनाएंगे। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि खास करके मैं जो देश की राजनीति जो है ना वो गलत दिशा में भटक चुका है। जिनको बच्चे के लिए स्कूल खोलना है, जिसके बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आज इस काम को छोड़कर मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। और अपने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के पर भरोसा करना चाहिए, ना ही कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को डराना चाहिए। तो आज देश में इस तरीके का व्यवस्था बन चुका है कि अपने दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है। ये नहीं कि आप जनता के बीच में अच्छा काम कीजिए और आप जनता का प्यार और स्नेह लीजिए, लेकिन आज जो देश में हो रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप बताइए कि कितना साल पुराना केस है, ये देश की एजेंसी कहाँ सो रही थी और इतने साल के बाद जो केस बंद हो गया उसको भी खोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के नेता को, पिछड़े के नेता को कहीं ना कहीं ये परेशान करने का षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस सब चीज़ से डरने वाले नहीं हैं और इस सब से झुकने वाले नहीं हैं। आज अमर शहीद जुब्बा सैनी सभागार में आप सब उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग अमर शहीद जुब्बा सैनी जी के शहादत दिवस मनाए हैं और पूरे बिहार से और उत्तर प्रदेश, झारखंड से, तीनों राज्य से पार्टी के मुख्य पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम सभी ने उनका शहादत दिवस मनाया है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक मिशन के तहत पार्टी के लोग ने आने वाले समय में संघर्ष करने का निर्णय लिया है। पार्टी बूथ स्तर से लेकर तो जिला कमेटी तक मजबूत करेंगे और आने वाले समय में 25 जुलाई को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, फूलन देवी शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे और उस समय तक जाते जाते हम लोग संगठन को मजबूत कर लेंगे और एक बड़ा रणनीति के तहत हम आने वाले समय में बिहार में कैसे काम करें, 2024 और 2025 में कैसे राजनीति करना है, किनके साथ करना है, क्या करना है, उस पर हम लोग उस समय में चर्चा करेंगे। उस समय में खास करके पूरे बिहार से कम 25,000 हमारे माता महिला, हमारे माता बहन उपस्थित होंगे और एक ही कलर में, एक ही ड्रेस में, रेड कलर के साड़ी में क्रांति का परिचय देते हुए और पूरे पटना में लाल लाल दिखेंगे और उस समय में हम शहादत दिवस मनाएंगे। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत मनाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भी खास करके पिछड़े, शोषित, वंचित ऐसे समाज की बेटी का शहादत दिवस मनाने का अवसर प्राप्त होता है तो उस समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सहयोग होता है और बिहार में कहीं रोक टोक नहीं होता है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में ये कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग आने वाले समय में इतना संघर्ष करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हम वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मना सकते हैं। और अभी आज अमर शहीद जुब्बा सैनी शहादत दिवस हम लोगों ने मनाया है और कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अमर शहीद जुब्बा सैनी जी का एक प्रतिमा का माल्यार्पण किए हैं, उनका निर्माण किए, इनके लिए भी विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूँगा कि लेडी सही, क्योंकि ये काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले करना चाहिए लेकिन लेट ही सही 17-18 साल के बाद उन्होंने किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और ये खास करके VIP पार्टी और निषाद समाज का ताकत का एहसास दिलाता है
कि निषाद समाज जाग चुका है, निषाद समाज अभी किसी का गुलाम नहीं होगा और निषाद समाज का वोट यूं ही किसी के पाले में जाने वाला नहीं है। इनके लिए भी रखवाला आ चुका है, इनकी अपनी दल बन चुका है और इनके समाज अपने दल के साथ रहेंगे। तो लोग आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे रणनीति भी बनाएंगे हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि वीआईपी पार्टी का वोट किधर आएंगे, किनके साथ आएंगे। जब तक निषाद समाज को हक अधिकार नहीं देंगे तब तक ये इस बार आने वाले समय में निषाद समाज का वोट किसी के पास नहीं होगा। निषाद समाज का वोट जो है निषाद समाज का बेटा के साथ रहेगा। आपने हाल फिलहाल में आपने देखा सिमरी बख्तियारपुर में हो या कुरहनी में हो या बोचा में हो, वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ा और दुश्मन को वहाँ पर हारना पड़ा और हमने एक अच्छा हमने वोट प्राप्त किया। भले हम चुनाव नहीं जीते लेकिन हम अपने दुश्मन को हराने में कामयाब रहे और एक हमारे पास 14-15% वोट हमने लाने में हमेशा सक्षम रहे। अभी 4-5 जगह चुनाव MLC का हो रही है पूरे बिहार में, उस जगह पे भी हमने छपरा में भी हमने अपने कैंडिडेट को दिया है समरेंद्र बहादुर सिंह जी को और मजबूती से वहाँ पे हमारे पार्टी के लोग तैयारी करेंगे और हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए आने वाले समय में इसके लिए कैंप भी करेंगे और मजबूती से आने वाले समय में काम करेंगे। सबसे पहले निषाद समाज, ये तो बात सही है कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारे लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये IB के रिपोर्ट में मिला है, इस तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाते जरूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होता तो हम छपरा में चुनाव नहीं लड़ते। हम छपरा में आकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि आज वीआईपी पार्टी को बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा चाहे NDA हो या UPA हो वो सोच रहे हैं चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। तो निश्चित तौर पे हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमारे कंधे पे एक जवाबदेही है कि निषाद समाज के संघर्ष के लिए ये पार्टी बना, उनके हक अधिकार के लिए हमें काम करने का मौका मिला, पूरे बिहार के लोगों ने हमें नेता माना है तो उनके लिए हम काम करें। और इसके लिए जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो अगर आरक्षण नहीं होता तब फिर हम जाके आने वाला जो दिल्ली में शीतकाल सत्र जो होगा वहाँ तक हम समय का इंतजार देंगे और वहाँ तक अगर नहीं होता तो फिर आने वाला समय में एक रणनीति बनाएंगे कि हमें बिहार में कैसे राजनीति करना, उत्तर प्रदेश में कैसे करना, झारखंड में कैसे करना। हमारे पास वो ताकत है कि UP बिहार झारखंड 3 राज्य में वीआईपी पार्टी कम से कम 20-25 सांसद पे लड़ेंगे और 20-25 सांसद अगर जब बना लेंगे तो निश्चित तौर पे दिल्ली में हमारी चलेगी और हमारे जो संविधान में जो हमें जगह मिला है संविधान के दायरे में रहकर निषाद को आरक्षण हमें लगता है कि प्राप्त हो जाएगा। ये बात हमें जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना है तो वही ऊंट होंगे ना, जो जिनको पहाड़ तो हम हैं, हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शर्त को उनको मानना पड़ेगा जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो NDA हो और या UPA हो। भाजपा वाली बात ही नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पे हमारे जो आरक्षण जिनको देने का दायित्व है उनको देना है। आप कुछ बोल रहे थे सर, अपने साथ की बात करते हैं तो सारण में जो MLC कैंडिडेट आपने उतारा है उस पे आप क्या कहेंगे? तो हम चाणक्य का बहुत सारे किताब पढ़े हैं और मुझे लगता है कि हम उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता और पार्टी के सारे लोग तो हमारे साथ हैं ही और हम जिनको खड़ा कर देंगे उनके पास वोट जाए और उस समाज का वोट आ जाए तब हम जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे हम वो काम कर रहे हैं जो चाणक्य नीति में बताया है कि आपके पास एक वोट है और एक वोट दूसरे का लेके जीत सकते, तो वो काम आप पहले कीजिए। तो जात पार्टी को एक जाति का नहीं है, हम वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए लड़ रहे हैं। इस पार्टी में हर जाति धर्म को जगह मिल रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे पार्क में जाएंगे और समय के लिए देखेंगे, आज समय मिल गया तो आज जाएंगे, कल समय मिल गया तो कल जाएंगे। ये जो पार्क है वो बिहार के जनता के लिए है, बिहारी के लिए है और उसमें हम भी हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो मेरे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और मैं उनको तो मंच से मैं धन्यवाद भी दिया हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किए, थोड़ा देरी सही लेकिन वो अच्छा काम किए हैं कि जुब्बा साहनी जी का एक पार्क का घोषणा किए हैं, प्रतिमा लगाए हैं, इसके लिए धन्यवाद। पता है, देखिए ये हमारी अपमान नहीं है,
ये हमारे अमर शहीद जुब्बा सहनी का अपमान है कि हमें अभी पता चला कि प्रशासन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हटाया गया, कि हमें आज कमजोर समझ रहे हैं इसलिए आज हटा रहे हैं। आज बताइए कि आज शहादत दिवस हो और आज ही के दिन में अगर उनको अगर कोई अगर प्रशासन के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा हटाने का कोशिश किया जा रहा है तो मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमको कमजोर समझ रहे हैं। ये मैं भी मानता हूँ कि अभी हम लोग कमजोर हैं और आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष करेंगे और ऐसी शक्ति बनाएंगे, ऐसी ताकत बनाएंगे कि आने वाला समय में हमारे जो पोस्टर होंगे उनके सामने में सर झुकाना पड़ेगा, ऐसी ताकत हम बनाएंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।